देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैविक किसानों के लिए सुनहरा अवसर ऑर्गेनिक इंडिया लाया है धरती मित्र पुरस्कार 2021। पूरी जानकारी पाने के लिए और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। तो चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खेती के साथ किसान ने किया अनोखा जुगाड़, बनाई लेमन ग्रास का तेल निकालने के लिए सस्ती टिकाऊ मशीन। हिमाचल प्रदेश में पॉलीहाउस स्थापित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही सरकार, 85% सब्सिडी पर कराएं पॉलीहाउस निर्माण। धान खरीदी में दर्ज की गई रिकॉर्ड गिरावट, उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे कम हुई खरीदी। जहां एक तरफ झारखंड का खूंटी जिला लेमन ग्रास की खेती के लिए लोकप्रिय होता जा रहा है, तो वहीं धीरे धीरे राज्य के किसान खेती के साथ साथ प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल लेमन ग्रास का तेल निकालने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाना काफी महंगा होता है, जो कि हर किसान अपने खेत में नहीं लगा सकता। ऐसे में खूंटी जिले के रहने वाले किसान चाड़ा पाहन ने जुगाड़ तकनीक से लेमन ग्रास का तेल निकालकर जिले के किसानों को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि 45 साल के चाड़ा पाहन ने खुद ही लेमन ग्रास का तेल निकालने वाली मशीन का निर्माण किया है, और खास बात यह है कि वो खुद केवल पांचवी पास हैं। उन्होंने इसके लिए कोई प्रशिक्षण तक नहीं लिया है। चाड़ा की माने तो उन्होंने लेमन ग्रास का तेल निकालने के लिए जुगाड़ से जिस मशीन का निर्माण किया है, वो केवल मशीनों को देखकर ही सीखा है। जानकारी के लिए बता दें कि चाड़ा पाहन खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड क्षेत्र के नक्सल प्रभावित कोजुडोंग गांव के रहने वाले हैं और पिछले साल से लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास की खेती के लिए उन्होंने मुरहू से प्रशिक्षण प्राप्त किया। मुरहू में प्रशिक्षण के दौरान चाड़ा पाहन ने तेल निकालने की मशीन को देखा और उसकी तकनीक को समझा। बस फिर क्या था, चाड़ा प्रशिक्षण लेकर वापस अपने गांव लौटे और केवल 8,000 रुपए की लागत और अपने जुगाड़ से उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट तैयार कर लिया। पहली बार मिली सफलता को देखकर वो काफी खुश हुए और उन्होंने इसके बाद एक और मशीन का निर्माण किया, जो कि पहले वाली से ज्यादा एडवांस है। तो वहीं इसको बनाने में लागत भी करीब 40,000 रुपए आई। जाहिर है कि लेमन ग्रास प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में जहां एक किसान को कम से कम 5,00,000 रुपए खर्चने होते हैं, तो वहीं किसान चाड़ा ने अपने जुगाड़ से कम खर्च में जिले के कई किसानों के लिए इस क्षेत्र में कमाई के रास्ते खोल दिए हैं। बता दें कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा भी चाड़ा पाहन द्वारा विकसित किए गए तेल निकालने की मशीन को देखने के लिए आए थे और उन्होंने इस तकनीक को देखने के बाद इसकी तारीफ भी की। किसानों को खेती कर फसलों के उचित दाम मिल सके और वो मुनाफा कमा सके, इसी कोशिश में लगी हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के किसानों के लिए एक खास योजना चला रही है, जिसका फायदा प्रदेश के कई किसान उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य की मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना के तहत प्रदेश सरकार किसानों को पॉलीहाउस स्थापित करने के लिए अधिकतम 85% की सब्सिडी दे रही है, ताकि किसान पॉली हाउस में खेती और बागवानी करके अच्छी सब्जी और फल उगा सके और उसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सके। पॉली हाउस स्थापित करने वाले किसानों को अपनी जेब से कुल लागत का केवल 15% ही देना होगा, बाकी का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे में राज्य के ऐसे किसान जिन्होंने राज्य सरकार की इस योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया है, वो राज्य के कृषि विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद किसानों का चयन कर उन्हें कृषि विभाग द्वारा अधिकतम 252 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस लगाने के लिए 3,17,000 रुपए की राशि के लिए मंजूरी दी जाएगी। जाहिर है कि खुले पहाड़ी इलाकों में मौसम में बदलाव के चलते फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है, लेकिन पॉलीहाउस में खुले खेतों की अपेक्षा बेमौसम सब्जियों को भी उगाया जा सकता है। इसमें ज्यादातर फल और सब्जियों का उत्पादन होता है। आपको बता दें कि पॉलीहाउस में उगाई जाने वाले फल, सब्जियां और पौधों की देखभाल करना काफी आसान होता है। इन्हें कम पानी, सीमित सौर किरणों, कम कीटनाशकों और न्यूनतम उर्वरक के साथ नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। इस साल खरीफ सीजन की प्रमुख फसल कही जाने वाली धान की फसल से काफी निराशा हाथ लगी है।
दरअसल धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी पिछड़ गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 25 नवंबर तक की गई खरीद में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई है। वही बात करें राज्य स्तर की तो इस लिस्ट में जहां पंजाब का नाम सबसे ज्यादा खरीद किए गए राज्यों में शामिल है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों को सूची में सबसे नीचे जगह मिली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में धान की खरीद का काम 1 अक्टूबर से ही शुरू हो गया था। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक 25 नवंबर तक देश में 277.16 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें 186 लाख मीट्रिक टन की खरीद के साथ पंजाब सबसे ऊपर है और यहां पर खरीद का काम भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जबकि राज्य सरकार ने केंद्र से और खरीद के लिए परमिशन भी मांगी है। उत्तर प्रदेश के किसानों से इस साल धान खरीद को काफी निराशा हाथ लगी है, जहां राज्य सरकार ने इस साल 70 लाख मीट्रिक टन खरीद करने का लक्ष्य रखा था, वहीं 25 नवंबर तक राज्य में केवल 9.05 लाख मीट्रिक टन की ही धान की खरीद हो सकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने धान की खरीद 28 फरवरी तक जारी रखने का आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि समय अवधि बढ़ाने के चलते लक्ष्य पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा तमिलनाडु में अब तक सिर्फ 4.65 लाख मीट्रिक टन, केरल में 0.65, हिमाचल प्रदेश में 0.22, हरियाणा में 55.31 लाख मीट्रिक टन, गुजरात में 0.15 लाख मीट्रिक टन और बिहार में 0.83 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है, जबकि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब तक धान की खरीद भी शुरू नहीं हो सकी है और यही हाल पश्चिम बंगाल का भी है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से अब नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाला है। सत्र के पहले दिन शुरू होते ही तीनों कृषि कानून वापसी बिल को पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठन अपना विरोध जता रहे थे। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। सरकार के इस कदम को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव हारने के डर से सरकार ने इन कानूनों को वापस लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 पर चर्चा हो, लेकिन लोकसभा में इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वो किसानों के पक्ष में हैं। पंजाब में गन्ना मूल्यों को लेकर चलनी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल यहाँ राज्य के किसानों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही राज्य में गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान चंडीगढ़ को दिल्ली बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। उन्होंने सरकार को इसके लिए 14 दिनों का समय भी दिया है। किसान एकता मोर्चा की ओर से कहा गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया था कि वो 1-2 दिन में ही उनकी समस्या का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के 14 दिन बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मोर्चा ने कहा कि किसान पहले से ही ये साफ कर चुके हैं कि 325 और 35 रुपए जोड़कर गन्ने का मूल्य वो नहीं लेंगे। किसानों को गन्ने का मूल्य 360 रुपए या तो गन्ना मिल मालिक दे या फिर पंजाब सरकार। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल के कार्यक्रम में जैविक खेती की जरूरत और उससे जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया है। कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से ऐसी खेती की ओर रुझान करने का आह्वान करते हुए कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट शरीर और भूमि दोनों को बचाता है। देश में किसान इस बात को समझते हैं और स्वीकार भी करते हैं। ऐसे में आने वाले सालों में ऑर्गेनिक दूध की बात होने लगेगी, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी उपज का उचित दाम किसानों को नहीं मिल पाता है। इसके लिए जल्द ही ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए एक चेन बनाना काफी जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।